फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स लास्ट टाइम हम लोगों ने ईथर्स की जनरल डिस्कशन स्टार्ट की थी जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ईथर्स की क्लासिफिकेशन की थी ईथर्स आर ऑफ टू टाइप्स या तो आपके पास सिंपल ईथर्स होते हैं सिंपल ईथर्स वो होते हैं जिनके ऑक्सीजन में दोनों साइडों पर एक ही अल्काल ग्रुप अटैच होता है और दूसरे होते हैं मिक्सड ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर्स जिनके ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स अटैच होते हैं एक तरफ स्मॉलर ग्रुप और एक तरफ बिगर ग्रुप देन वी सॉ के ईथर्स को किस तरीके से आपने नाम देना है इनको आपने नामिनक्लेचर डिस्कस किया था नामिट्लेचर के अंदर हमने देखा था कि जो सिंपल कॉमन जो नेम देने का तरीका है वो ये है कि आप आर वन ग्रुप जो भी है उसका नाम लिखते हो फिर आर टू ग्रुप का नाम लिखते हो और आगे आप Ether लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल के मुताबिक आप यह करते हो कि आप छोटा वाला जो अल्कोहल है छोटा वाला जो ग्रुप है उस और ऑक्सीजन को इकट्ठे आप एक ही नाम दे देते हो मसलन इफ दिस इज मिथेन एंड दिस इज ऑक्सीजन तो आप इन दोनों को इकट्ठे नाम दे देते हो मेथॉक्सी और जो पेरेंट है उसको आप बड़े वाले ग्रुप के हिसाब से नाम देते हो मसलन पेरेंट ग्रुप हो सकता है आपका पेंटेन हो ब्यूटेन हो प्रोपेन हो जो भी हो so, सो हमने देखा कि अल्कोहल्स सॉरी ईथर्स जो हैं इनकी प्रिपरेशन की टेक्निक्स क्या हैं प्रिपरेशन में एक मेथड वो था जिसमें आप अल्कोहल बनाते थे दैट वाज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस विलियम्स दिस वॉज अ वेरी इजी मेथड ये दो स्टेप्स के अंदर होता था और आपके पास किसी भी किस्म का मिक्सड या सिंपल ईथर प्रोड्यूस हो जाता था एंड देन सेकेंडली वी सो कि आप सिंपल अल्काइल हेलाइट से भी ईथर्स प्रोड्यूस कर सकते हो अल्काइल हेलाइट से स्टार्ट करो और सिल्वर ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ आप ईथर्स uh, प्रिपेयर कर सकते हो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज मोस्टली गोइंग टू बी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर आज हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपल रखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ईथर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है एक ऑक्सीजन होता है जिसके दो साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं नाउ यू डू नो वन थिंग के ऑक्सीजन के ऊपर देर आर सपोज टू बी टू लोन पेयर्स कम से कम दो लोन पेयर्स तो होंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसने बॉन्डिंग में किए हैं बिकॉज टोटल लास्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के अगर आप कंपे कंपेरिजन करने की कोशिश करो अल्कोहल का और ईथर का तो फर्क क्या होता है अल्कोहल में एक तरफ एच लगा होता है और इसमें दूसरी तरफ एच नहीं होता बल्कि आर लगा हुआ होता है ठीक है अल्कोहल में भी दिस इज partially नेगेटिव एंड ईथर में भी दिस इज partially नेगेटिव ऑक्सीजन बट फर्क इस चीज की वजह से फर्क पड़ रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है जबकि R2 टू के जो है ये पूरा का पूरा ग्रुप पार्शल पॉजिटिव कैरेक्टर शो नहीं कर पाता एक तरह से और इस वजह से अल्कोहल ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने एक चीज पढ़ी थी जो कि किन के अंदर होती है अल्कोहल्स के अंदर और बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है कि एक कार्बन ग्रुप होता है फिर एक ओ होता है और फिर एक एच होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको पता होगा क्या जरूरी होता है एक तो हाइड्रोजन एटम होना जरूरी होता है ठीक है जो देने की सलाहियत रखता हो कोई मॉलिक्यूल यानी पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत ही हाई होती हैं दिस इज फोर थ्री पॉइंट समथिंग्स में इन दोनों की होती हैं सो so बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अगर मॉलिक्यूल के अंदर हो और अगर हाइड्रोजन भी हो तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बट अगर आप सिर्फ ईथर के स्ट्रक्चर को देखो तो ये वाला बिहेवियर जो है ये एक तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजनस तो इस तरह है ही नहीं मतलब ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी बली है लेकिन एक और अगर ईथर का मॉलिक्यूल पास आ भी जाए ना अगर R2 तो इस मॉलिक्यूल के पास ये सलाहियत नहीं है कि यह अपना एक H प्लस जो है यह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाने की कोशिश करे तो इस वजह से ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर और चूंकि इसमें नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जो पहला इसका कॉन्सिक्वेंस है वो ये होता है अब देखते हैं क्या होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से कि इनके जो इंटरमोलेक्क्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं है इंटरमोलेक्क्युलर फोर्सेज किस किस्म की होती हैं अगर वैसे आपसे कोई जनरली पूछे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो ईथर में होती हैं दीज आर डायपोल डायपोल फोर्सेज डायपोल डायपोल फोर्सेज और डायपोल्स वो कहां से बनते हैं मसला आपने देखा है कि एक ओ है एक आर वन ग्रुप है और एक आर टू ग्रुप है और ओ के अगर एडजेसेंट आप एटम देखो कौन सा लगा हुआ होगा कार्बन तो वैसे फर्क तो है ना ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो पोल्स तो मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं किसी हद तक ठीक है तो उसकी वजह से डायपोल डायपोल फोर्सेस तो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी यानी इस ऑक्सीजन को दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो कार्बन हैं वो अट्रैक्ट डेफिनेटली करेंगे सो इस तरीके से डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती हैं बट डेफिनेटली फोर्सेस तो होती हैं इसकी वजह से होता यह है कि लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का डायरेक्टली ताल्लुक होता है इस बात से कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी स्ट्रांग है तो चूंकि इनमें वीक फोर्सेज होती हैं तो इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेरेटिवली अल्कोहल्स के नस्बत वीक होते हैं कम होते हैं ठीक है वी कैन हैव हैवे जनरल लुक इन टू देर प्रॉपर्टीज ये आपके पास आई होप ये टेबल आपको विजिबल होगा ठीक से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की इसमें मुख्त किस्म के ईथर्स ईथर्सने लिए हैं डायमिथाइल मिथाइल इथाइल और ऊपर से नीचे ये आ रहा है तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप ओवरऑल साइज इंक्रीज करता जा रहा है ईथर्स का ठीक है ये नीचे वाले जो हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट किस्म के ईथर्स हैं इनको फिलहाल आप छोड़ दो आप सिर्फ टॉप वाले फ्यू देखो जो आपके कोर्स में इस तरह के स्ट्रेट चेन और सादे वाले शामिल हैं इनमें आप देखो कि जो जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना तो साइज बढ़ता जा रहा है मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूल का अच्छा ऑक्सीजन एक ही है सब के अंदर सिवाय इस वाले के जिसमें दो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन एक ही है और इससे हो यह रहा है कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो रहा है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है ठीक है और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ रहा है सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम साइज ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है ये बात आपको पहले भी इससे पता है कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है उतनी ही पोलराइजेबिलिटी का इफेक्ट जो होता है है वो ज्यादा हो जाता ठीक है तो पोलराइजेबिलिटी जब इनहस होती है तो इंट्रोमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉग होती हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग और पोलिंग पॉइंट्स एनहेंस होते हैं ठीक है थीके? और अगर ये सबसे नीचे वाला इस वाले पे आप देखो तो इसमें तो बेसिकली दो दफा ऑक्सीजन लगा हुआ है ठीक है आई होप आप ये आपको बहुत ही छोटा नजर आ रहा होगा एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो बाकियों के निस्बत थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी और इसमें आप देख सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट एट्टी है जो बाकियों की नस्बत बहुत ही ज्यादा है ठीक है और इसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बाकियों की नस्बत सबसे ज़्यादा है ठीक है सो so डेंसिटी भी आप देख सकते हो उसका भी कैरेक्टर कुछ ऐसे ही है कि जो जो साइज बड़ा होता जा रहा है मॉलिक्यूल का ऑब्वियसली पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखो तो मैस भी इंक्रीज करेगा ठीक है मिलीलीटर इज वंस अगेन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ग्राम्स पर मिलीलीटर लीटर ग्राम्स पर मिलीलीटर इज बेसिकली यू कैन से सेंटीमीटर क्यूब ओके सो आप यूं उसको समझ सकते हो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेंटीमीटर क्यूब बट लेट्स से देट so, एक्सप्लेन्स uh, कि जो ईथर्स होते हैं दे आर नॉर्मली वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्या चीजें होती हैं वोलेटाइल वर्ड आपने इसे पहले भी काफी दफ़ा सुना होगा वॉलेटाइल मीन्स जो ईजीली एवेपरेट हो जाता है जो ईजीली रूम टेम्परेचर पर ही इवेपरेट हो जाता है उड़ जाता है हवा में चला जाता है वोलेटाइल होता है वो नेचर के अंदर जब अल ईथर्स के वालेटाइल होने का मतलब ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है नॉर्मली देखो अगर आप मसलन इनमें से कोई भी ईथर ले लो मसलन मैं अगर लूँ डायमिथाइली ईथर इसका मतलब यह हुआ कि डायमिथाइल ईथर को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे अगर खुला छोड़ दूँ तो क्या होगा कि इसका बॉलिंग पॉइंट कितना है माइनस ट्वेंटी फाइव या बल्कि नीचे वाला ले लो बेशक उसका बॉलिंग पॉइंट है एट अब रूम टेम्परेचर तो एट से ज़्यादा होता है ना इसका मतलब आप इसके बॉलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हो तो बॉलिंग पॉइंट पे क्या चीज क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाता है सारा का सारा ठीक है तो ये क्या होगा कि ये सारा का सारा जो लिक्विड है ये सारा वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली हीट किए बगैर ठीक है लेकिन जो इससे आगे वाले हैं मसलन अगर आप ये डाई डाईथाइल ईथर लो जो कि 35 फाइव फिर डायप्रोपाइल ईथर जो कि 91 वन जिसका बॉयिंग पॉइंट है वो इतने वॉलेटाइल नहीं होंगे जो छोटे ईथर्स हैं वो नॉर्मली वॉलेटाइल होते हैं अच्छा एक तो हमने ये बात कर ली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक और जनरल जो इनकी सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि ईथर्स जो हैं ये नॉर्मली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो हैं ये काफी ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर और जो वाटर के अंदर अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो इनकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि सोलबिलिटी का डायरेक्ट ताल्लुक किस बात से होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक ये से पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा आपको बात कर चुका हूँ लाइक डिजोल्व लाइक यानी जिस चीज को आप जो आपका सोल्यूट है और जो आपका सॉल्वेंट है अगर उसमें एक ही किस्म की फोर्सेस हैं तो डिसोल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगी ठीक है अब जो आपका सोल्यूट है वो क्या चीज़ है वो आपके पास ईथर है जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं अगर आपके सॉल्वेंट में भी डायपोल डायपोल या वीक वेंडर फोर्सेस होंगी तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन अगर आपके सॉल्वेंट में वाटर मौल, वाटर मॉलिक्यूल अगर आप सॉल्वेंट है आपका तो तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपौल डायपौल फोर्सेस की आपस में कोई खास लिंकेज नहीं है इस वजह से वाटर के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये बहुत ही इजीली सॉल्युबल है ईथर्स जो होते हैं वाटर के अंदर होता है कि वाटर के अंदर H2O है ना O एच एच वाटर के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर जो डोनेट करने की सलाहियत रखता है और इसी तरह अगर एक वाटर और एक ईथर का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये जो वाटर का एच प्लस है और जो ईथर का ये जो माइनस है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की सलाहियत रखते हैं सो ये वजह है कि पानी के अंदर ईथर डिजोल्व हो जाता है वरना तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग हैं दोनों इनको वैसे डिजोल्व नहीं होना चाहिए लेकिन चूंकि इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है किसी हद तक इस वजह से यू uh, <coughs> से आर स्लाइटली इन नाउ लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू लुक एट ईथर्स ईथर्स आर सेंस के ये रिएक्शन नहीं करते ठीक है क्यों रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग्स हैं वो वीक हैं ठीक है ठीके? और इनके जब दूसरे बॉन्ड्स बनते हैं तो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग सो इस वजह से बॉन्ड एनर्जीज कम होने की वजह से रिएक्शन करते ही नहीं है ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईथर्स का रिएक्शन करवाओ विद एसिड्स स्ट्रांग एसिड्स के साथ तो रिएक्शन हो जाता है अगर आप वीक एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन करवाओ तो रिएक्शन नहीं होता ठीक है इसी तरह अगर आप ईथर्स का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ हालांकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कोई भी रिएक्शन नहीं होता अब आप पढ़ चुके हो ये बात कि अगर कोई अल्कोहल हो तो वो तो डेफिनेटली सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है पानी हो वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा हर चीज सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाती है बट ईथर्स जो हैं ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते ठीक है बाकी जितनी भी चीज़ें सोडियम के साथ रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं बट ईथर सोडियम गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते ठीक है इसके अलावा आप अगर अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहो ईथर्स का एन के साथ ईथर्स का रिएक्शन करवाना चाहो तो जो बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो रिएक्शन कर जाती हैं ईथर्स रिएक्शन नहीं करते अगर आप इनका बेस के साथ किसी बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करो तब भी ईथर्स रिएक्शन नहीं करते सो तो इन रिएक्शंस को बताने का मकसद ये था था कि आपके जहन में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि ईथर्स आर नॉर्मली इनर्ट ये रिएक्शंस बहुत ही मुश्किलों से करते हैं और अगर करते भी हैं तो इनको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ये जो मैंने जितने रिएक्शन बताए हैं ना ये रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं होते अलबा अगर आप डेफिनेटली एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई करो तो फिर हो सकता है ये आ, हो जाए इसी तरह ईथर्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट ईथर्स को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट सो एक तरह से आप कह सकते हो कि ईथर्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स they are stable and they tend to not do any reaction, okay? Uh, but still, आप बहुत ज़्यादा अगर uh, strong acid ke sath agar reaction karwa do bahut hi strong acid ke sath very strong acid. For example, a very strong acid is HI. अच्छा, हमेशा जब भी मैं HI की बात करता हूँ, तो आपके दिमाग में आता होगा कि it is supposed to be a very weak acid. HI is not at all a weak acid. It is a very very strong acid. ओके फॉर द रीजन के एच आई मोलिक्यूल साइज बहुत ही बड़ा है और एच बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है और इन दोनों का आपस में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है डिस्टेंस तो इनकी वीक फोर्सेस हैं बहुत ही और चूंकि एच की फोर्सेस बहुत वीक हैं तो एच का टूटना बहुत ही आसान है तो जितना एच मॉलिक्यूल डोनेट करने की सलाहियत ज्यादा होती है किसी कम मॉलिक्यूल की उतना ही वो अच्छा एसिड होता सो दिस लेट्स लुक एट दिस दिस इज एन एसिड और अगर इसका मैं रिएक्शन करवाऊँ आर वन ओ आर टू के साथ ठीक है आर वन ओ आर टू मैं इसको जनरल नाम दे रहा हूँ लेट्स नॉट कंसिडर किसी मखसूस किस्म का ईथर नहीं है ये कोई भी ईथर हो सकता तो होता यह है कि पहले स्टेप के अंदर ये जो प्रोटोन है दिस इज एक्चुअली अटैक्ड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इसके जो ऊपर लोन पेयर्स होते हैं इनमें से ये जो लोन पेयर्स हैं ये जाके अटैक करेंगे इस प्रोटॉन को और इस प्रोटॉन को अपने साथ बॉन्ड करा लेंगे सो आर वन ओ आर टू और यहां पे आके एक एच अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन ने बेसिकली अपना एक लोन पेयर एच को डोनेट कर दिया है सो दिस इज पार्शली पॉजिटिव और ये जो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी आई माइनस और ये जो प्रोडक्ट ये जो पहला प्रोडक्ट आपके पास बना है इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आइन ऑक्सोनियम बिकॉज ऑक्सीजन पेट इट इज पॉजिटिवली चार्ज वी हैव पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन हियर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही जो दो हैं आप कह सकते हो ओवरऑल इट इज सेम स्टेप बट ये जो दोनों हैं ये फिर आपस में रिएक्शन करते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या चीज़ बना देते हैं कि ये जो आई है ये जाके अटैच हो जाता है इनमें से एक आर टू ग्रुप के साथ अब क्या होता है कि ये आई जाके अटैक करता है इस ऑक्सीजन को ठीक है और जब ये इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इस आर टू को यहां से सेपरेट कर देगा और आई आर टू या आर टू आई प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में आपके पास ये वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा आर वन ओ एच ठीक है इस तरीके से आप देखो कि आप वापस एक अल्कोहल के ऊपर आ गए हो यानी आपने एक अल्कोहल अटेन कर दिया है फ्रॉम एन Ether. मैं रिपीट कर देता तो हूँ पूरा मैकेनिज्म हुआ क्या है कि आपने क्या किया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवा डोनेट कर दिया आर वन ओ आर टू के अंदर जो ऑक्सीजन होता है इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इट अटैक्स दिस एच प्लस आइन एज अ न्यूक्लियो फाइल ये न्यूक्लियो फाइल के तौर पर यहां पे ऑक्सीजन बिहेव कर रहा है और फिर इसने ऑक्सोनियम आइन जनरेट कर दिया अलोंग फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटली आई माइनस ये यहाँ पे जो उसके साथ से अलग हुआ था एच प्लस देन द नेक्स्ट स्टेप चीजें फिर कैसे रिएक्शन हुआ इनका कि जो I था इसने जाके अटैक किया R2 टू को वहां से सेपरेट कर लिया या R1 को इन दोनों में से किसी एक को ही अपने साथ बॉन्ड करा लेगा आर टू बन जाएगा और साथ आर वन ओ बन जाएगा ठीक है अगर आप आसान जुबान में बात करने की कोशिश करो या हमने क्या रिएक्शन करने की कोशिश की है आपके पास लगा हुआ था R1, वन ओ आर टू आपने इसका रिएक्शन करवाया एच आई के साथ तो सिंपली ये हुआ कि एक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये इसके साथ और ये सॉरी ये हाँ बल्कि ठीक कह रहे हैं ये इसके साथ और ये इसके साथ आके सब्सिट्यूट हो गया ठीक है आर वन और आई ने आपस में बॉन्ड बना लिया और वहां पे जाके एच लग गया या आप यूं कह लो इसको हम उससे भी ज्यादा आसान जुबान में बात करते हैं सॉरी इसको आप यहां से रिमूव कर दो हम ये कहते हैं कि एक H प्लस जो है ये आके R2 की जगह लग गया है ठीक है एच प्लस एच आर टू की जगह आके लग गया है और आर टू जो है वो आई के साथ आके उसने बॉन्ड बना लिया है करके आप कहानी समझ लो यानी सिर्फ R2 को आपने एक से रिप्लेस कर देना है तो ये आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा R1 o H और ठीक हो गया एक और किस्म का रिएक्शन है जो ईथर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो होता है विद PCl5 PCl5 के साथ आप वैसे देख चुके हो जब अल्कोहल्स भी रिएक्ट करते हैं या और भी चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं आर वन ओ आर टू का अगर आप पी सी एल फाइव के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या होता है कि आर वन सी एल प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है आर वन सी एल अच्छा ये ये जो रिएक्शन मैं भी आपको बताने लगा हूं, ये आई एम सॉरी ये सिंपल ईथर्स के साथ होता है सिंपली R1 o, R1 का आप रिएक्शन करवाने लगे विद PCl5 तो क्या होता है एक तो R1 CL produce हो जाता है और साथ P सी एल थ्री प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है so, जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें यही होता है के पांच तरफ को क्लोरीन लगावे अगर आप इसके डिटेल्ड uh, रिएक्शन जाना चाहते हो तो इसी चैप्टर के शुरू में हम लोग पढ़ चुके हुए PCL5 का कैसे रिएक्शन होता है और पी सी एल फाइव जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो एक तो पी ओ सी एल थ्री प्रोड्यूस होता है और दूसरा आर वन ओ आर वन जो है वो आर वन सी एल में चेंज हो जाता है बट ये जो रिएक्शन है ये सिंपली सिंपल ईथर्स का हो जाता है बट मिक्सड ईथर्स का ये रिएक्शन नहीं होता दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर इस लेक्चर के बेसिकली uh, हम लोगों ने दो किस्म की चीज़ें आज देखी हैं एक तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की वो क्या होती हैं और वो कैसे वेरी करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखे हैं ठीक है स्ट्रक्चर देखा है ईथर्स का और इसके अलावा सॉलिबिलिटी ट्रेंड्स देखे हैं ईथर्स के किस चीज़ में कैसे होते हैं वो बॉन्डिंग के बारे में हमने बात की है कि ईथर्स में किस किस्म की बॉन्डिंग होती है फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की है कि अल्का जो ईथर्स होते हैं दे आर नॉर्मली इनर्ट लेकिन ये दो किस्म के रिएक्शन शो करते हैं जिनमें से एक रिएक्शन हमने बहुत ही स्ट्रॉग एसिड के साथ रिएक्शन करवाया ठीक है और दूसरा जो रिएक्शन था वो हमने सिंपली क्लोरिनेशन या आप यूं कह लो कि हमने क्या किया है कि ऑक्सीजन को रिमूव किया एक तरह से हमने रिडक्शन की है ईथर की तो इस इस किस्म के रिएक्शन में हमने देखा कि हम पी के साथ रिएक्शन करके पीओ प्रोडक्ट बना सकते हैं यह आप एक जनरल बात याद रख लो क्योंकि पीसीएल जितनी भी चीजों के साथ रिएक्ट करता है पी ओ प्रोडक्ट लाजमी बनता है

fasten your seatbelts for that